हेलो दोस्तों, आज मैंने ले रखा है ट्रेड किस में, तो गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर में। दोस्तों मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं और यहां पे 0.5 लॉट से मैंने एंट्री बनाई है। पिछली बार तो दोस्तों कम से कम बहुत कम प्रॉफिट हुआ था, लेकिन दोस्तों अगर मैं आज बात करूं तो मेरा इससे ज़्यादा लॉस हो चुका है। मतलब कि दोस्तों पिछली बार जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज़्यादा लॉस हो चुका है। 3-4 मैंने ट्रेड किया था उसमें लॉस हो चुका है। इसमें देखते हैं, अगर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रॉफिटेबल साबित रहेंगे। मैं वो कितना लॉस हुआ वो भी आपको दिखा दूंगा अभी कि टोटल लॉस कितना है इसके पहले वाला। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें देखते हैं, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आज जो है हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे, वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पर $100 का कैपिटल को यूज़ किया है, 0.5 लॉट से एंट्री बनाया है, ठीक है। और लेवरेज कितना है, तो 1:2000 का मैंने लेवरेज ले रखा है। अब जिसको लेवरेज का नहीं मालूम उसको बता दूं, पहले देखो यहाँ पे $7-8 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। चलो $16 हो गया, ठीक है, $17-21। दोस्तों जिसको लेवरेज का नहीं मालूम उसको बता दूं, लेवरेज दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग आप करते हो ना तो लेवरेज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे दोस्तों अगर 1000 रुपये तो आप 1,00,000 से ट्रेड कर सकते हो। बस यही है कि आपका रिस्क बढ़ जाएगा। इसको दोस्तों लेवरेज तभी इस्तेमाल करना होता है जब दोस्तों आपके पास स्किल अच्छा है, आपको दोस्तों अच्छा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है और आप हर बार जो है सक्सेस कर पाओगे। अगर मार्केट में हर बार नहीं तो कम से कम 10 में से 8 बार भी 6 बार भी प्रॉफिटेबल रहोगे तब दोस्तों आपके लिए लेवरेज सही है। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप लेवरेज मत लेना, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है $3-4, अभी माइनस में कन्वर्ट हो गया, $3 का माइनस चल रहा है, $6-7। मैक्सिमम यहाँ पे $20 का मैं जो है SL अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ, $20 लॉस दिखाएगा, $20 से $22 मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। फिर आज दिन भर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, $6-13 का प्रॉफिट। और दोस्तों मुझे थोड़ा सा काम है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस वीडियो को शूट करूँ ना तो मुझे प्रॉफिट आएगा कब आएगा, मैं ट्रेड एग्जिट होते होते 1 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं जो है यहाँ पे बीच बीच में कट कट करके ऐसे वीडियो शूट करूँगा और दोस्तों आपको जो है यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद मैं दूसरे काम है वो भी करूँगा। देखो यहाँ पे $23 का प्रॉफिट चल रहा है, सब लाइव चल रहा है, ठीक है, कोई फेक वीडियो नहीं है ये, $22। अब दोस्तों मैंने ऐप को जैसे ही ओपन किया ना, मुझे यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट दिखने लग गया। प्रॉफिट कितना तगड़ा हो रहा है यहाँ पे आप देखो, $1,126.24 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। दोस्तों ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट शो हो रहा है। यहाँ पे 1,114.15 अप्रॉक्स में चल रहा है प्रॉफिट, मतलब $1 का प्रॉफिट। $1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 82-83 रुपये अभी के करेंट टाइम में चल रहा है। आप कहीं भी चेक कर लो, गूगल कर लो, कहीं भी कर लो, तो मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट चल रहा है, 1,105 ऐसे ही मुझे जो यहाँ पे $1 का प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों तो यही होता है, अगर आपको एनालिसिस आपकी सही है ना तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप लेवरेज से काम कर रहे हो तो, क्योंकि लेवरेज से आपका कैपिटल को आप डायरेक्ट इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे दोस्तों देखो कितना तगड़ा मार्केट यहाँ पे फॉल किया, मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ पे जो वही देखो 0.5 लॉट से मैंने ट्रेड ले रखा है, वही वाला है हमारा पूरा सीन। यहाँ पे देखो इतना प्रॉफिट हो रहा है, बाकी मेरा पहले लॉस भी था, ठीक है, लॉस भी था। तो अभी देखते हैं कि लॉस माइनस प्लस माइनस होकर कितना मुझे यहाँ पे ट्रेड में मतलब प्रॉफिट होता है। बाकी दोस्तों मैं अभी इसको और छोड़ दूंगा, कि मुझे ऐसा व्यू है कि मार्केट अभी जो है इंडियन मार्केट क्रैश हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है ये भी क्रैश होगा और गोल्ड थोड़ा बहुत क्रैश होगा, क्योंकि आज 4 जून है, इलेक्शन का डे है, तो आज इंडियन मार्केट भी क्रैश हुआ है, तो आई थिंक इसके वजह से यहाँ पे हो रहा है। मेरा भी यही व्यू था और 2-3 और एनालिसिस थी। तो अब दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों मैं थोड़ी देर के बाद वापस ऑन करूंगा, 1.5 से 1 घंटे के बाद, ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक स्टॉप लॉस में तब तक के लिए लगा देता हूँ। 1/2 घंटा भी नहीं हुआ है, मैंने जैसे ही मार्केट ओपन किया यहाँ पे $900 का प्रॉफिट, $906.97 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट अप्रॉक्स में दिख रहा है। उस टाइम में तो $1,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, तभी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा। क्लोज पोजिशन में दिखा दूँ आपको, $165 का मुझे जो नुकसान हुआ है यहाँ पे, टोटल नुकसान आज के दिन हुआ है। तो ये सब दोस्तों रिकवर हो गया एक ही बार में, लेकिन दोस्तों उस टाइम पर अगर मैं एग्जिट मारा होता ना तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस यहाँ पे टारगेट सिलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार मार्केट और नीचे ऊपर होगा, मुझे यहाँ पे जो है अच्छा आया हुआ प्रॉफिट को यहाँ पे गवाना नहीं है। तो यहाँ पे 23.33 यहाँ पे 2,320 के अप्रोक्स का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ SL, क्योंकि मुझे अब प्रॉफिट को ट्रेल करना है, SL थोड़ी लगाना है, प्रॉफिट ट्रेल करना है। मार्केट अगर रिवर्स जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो 2320 का यहाँ पे मैंने जो है टारगेट लगाया है, और यहाँ पे SL जो लगाऊंगा वो दोस्तों कितने का लगाऊंगा, तो एक मिनट देखो, टारगेट मैंने 2320 का लगाया है, मार्केट और नीचे जाएगा तो मेरा जो टारगेट है, ठीक है, एक रैंडम टारगेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी स्टॉप लॉस को मैं जो 2333 पे लगा दिया हूँ, मतलब दोस्तों मार्केट जो है अभी 2332 पे चल रहा है, मतलब 2332 पे, और मैंने SL जस्ट उसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, जितना प्रॉफिट आया उसको लेकर मैं निकलना चाहता हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों देखो कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है, अब देखते हैं कि ये जैसे ट्रिगर होता है या नहीं, SL हिट होता है या नहीं। SL हिट नहीं होता
तो और अच्छी बात है, तभी 1,200-1,150 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा था, तभी मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा, बहुत बड़ी गलती थी, तभी मुझे प्रॉफिट को ट्रेल कर लेना चाहिए था। ठीक है, मार्केट रिवर्स वैसे भी गई है, रिवर्स गई और तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया होता मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में। चलो 900 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है, कोई खास मतलब कि यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो अभी भी चल रहा है, 906 डॉलर का प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट तभी हो गया हमारा उस टाइम पे जब मैंने 1,000 का मतलब कि ये जो 15-20 मिनट पहले मैंने देखा था 1,000 के अप्रॉक्स में जो चल रहा था हमारा प्रॉफिट वो था, बहुत मस्त प्रॉफिट था। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी प्रॉफिट सही चल रहा है। ठीक है, इसमें से 165 डॉलर तो वो हो गया, समझ लो फिर 10 डॉलर के अप्रॉक्स में हमारा चार्ज कट जाएगा क्लोज पोजीशन में। देखो आप कितना मैंने ट्रेड किया था, सब में ऐसे लीड हुआ है, यही हुआ है, स्टॉप आउट हो गया हूं, यही सब हुआ है, पैसा मतलब कि हमारा जो लेवरेज की वजह से जो मैं बाहर निकला हूं ना वो दिक्कत हो गया। तो यही आपके पास अगर दोस्तों पैसे हैं, ठीक है, तो थोड़े थोड़े पैसे से काम करो, स्किल्स आपके पास प्लस में होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो मुझे मालूम था, मेरा व्यू ये था कि मार्केट यहाँ पे क्रैश होगा, तो हुआ यहाँ पे। ठीक है, 20 डॉलर तक गया था, मतलब 2,320 डॉलर तक यहाँ पे ये गया था मार्केट। दोस्तों यहाँ पे देखो कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इंडियन मार्केट दूसरे मार्केट में जो थोड़ा बहुत असर दिखाता है, और दूसरा मार्केट भी इंडियन मार्केट में दिखाता है, तो फॉरेक्स में भी यही करना है। मतलब फॉरेक्स में जब ट्रेड कर रहे हो तो इंडियन मार्केट को भी थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट क्रैश हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 941-44 डॉलर का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितने पे है, तो आपको यहाँ पे 2333 पे, मतलब 2333 पे यूएस टेक का यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों इस इंडेक्स में देखो कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि ये जो इंडेक्स है ना 18,515 के प्राइस पे चल रहा है, और ये जो इंडेक्स है ना इसमें 100, जैसे अपना निफ्टी 50 में कितना 50 कंपनी है, तो ऐसे इसमें 100 कंपनी है। यूएस टेक एक इंडेक्स है जो फॉरेन इंडेक्स है, यूएस का इंडेक्स है, जैसे इंडिया का निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, वैसे ये भी एक इंडेक्स है। तो इसमें भी मैं ट्रेड लेने का अभी सोच रहा हूं, लेकिन अभी सोच रहा हूं कि यार जो प्रॉफिट मिला उसको ले लूं, अभी थोड़ा बुक कर लूं और थोड़ा खुश हो जाऊं, उसके बाद देखते हैं इसमें ट्रेड लेने का सोचेंगे, रात रात में सोचेंगे, अभी यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड। पूरा दिन वैसे ही पड़ा है और अभी 2-3 दिन का तो हमारा काम निकल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, बाकी आज 4 जून है तो दोस्तों मेरा जो है थोड़ा बहुत जो उसमें प्रॉफिट हो गया, किसमें, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मैंने BTST ट्रेड ले रखा था, आप जाके मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, मैं BTST ट्रेड जब लिया था तो मैंने बताया था कैसे क्या करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है फॉरेक्स मार्केट में, कैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। लगता है ये ट्रिगर होने वाला है मेरा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ट्रिगर लगता है होने वाला है। चलो ये ट्रिगर हो गया, चलो ये ट्रिगर हो गया 911-12 डॉलर पे, नहीं ट्रिगर नहीं हुआ है यार, ट्रिगर नहीं हुआ है, मुझे लगा ट्रिगर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो मुझे कमेंट करो, मैं एक अच्छा वीडियोस ला दूंगा, वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, किसमें कम ब्रोकरेज रखेगा, और ब्रोकरेज इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आप ब्रोकरेज को कम भी कर सकते हो, खुद से करवा सकते हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियोस आते रहते हैं, डेली वीडियोस आएंगे आप उसको वॉच करना। 960-908 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मेरे को तो अब इसमें बोर मार रहा है, मैं सोच रहा हूँ तुरंत एग्जिट मारूँ, बंद करके टेंशन हटाऊँ, क्योंकि बहुत टेंशन होता है। दोस्तों जो चल रहा है यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइव चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे मैं जो है वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, शो ऑफ कर रहा हूँ, या पे मतलब कि कोई फेक वीडियोस बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ पे लाइव चल रहा है। 917 डॉलर 916 डॉलर। और दोस्तों फॉरेक्स मार्केट जब ट्रेड करोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप यहाँ पे 50 डॉलर से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, 50 डॉलर से दोस्तों यहाँ पे 1,000-1,000 डॉलर का प्रॉफिट आप बना सकते हो। चलो 920 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यही है मार्केट में, अगर दोस्तों आपको एनालिसिस करना आता है ना तो आप हर चीज़ अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको करना रहेगा, मतलब मार्केट को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक परफेक्ट सपोर्ट कैसे बनता है, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये सब चीज़ आना चाहिए। चलो ये बुक हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है मेरा यार, स्टॉप लॉस यहाँ पे 726 डॉलर का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब दोस्तों ओवरऑल क्या हुआ कि मुझे उस वाले ट्रेड में 892 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये जो है माइनस प्लस करके एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ, टोटल प्रॉफिट है 726 डॉलर का। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 726 लिखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे किस पे, तो गूगल पे। गूगल पे हम जैसे जाएंगे, गूगल पे हमको क्या देखना है, गूगल पे हमें देखना है कि कितना यहाँ पे चल रहा है प्राइस यूएस डॉलर का। तो वन यूएस डॉलर टू INR,
तो दोस्तों 83 रुपीस के अप्रोक्स में यहाँ पे चल रहा है एक यूएस डॉलर का प्राइस। तो चलो अब हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, 726 डॉलर का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, इनटू कर देते हैं कितना 83 रुपीस, तो 60,258 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसमें से माइनस आप क्या कर दो, माइनस इसमें से कर दो 2,000 रुपये अप्रोक्स में, 2,000 रुपये क्या, तो हमारा ट्रेडिंग चार्ज तो कटेगा ना, तो 58,000 डॉलर का मुझे, सॉरी 58,000 रुपीस का मुझे ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला है। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर करके लॉस कर करके यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों सबसे पहले उनके लिए क्या है, उनको ये है कि आप ट्रेडिंग पहले अच्छे से सीखो, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं सीखो तभी आप यहाँ पे लॉस करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्लस मैं इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेड जो मैं इंडियन मार्केट में ही करता हूँ, फॉरेक्स में कभी कभी ट्रेड करता हूँ, ये लास्ट के 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो इलीगल है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, इंडिया में बैन कर दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐप को निकाल भी दिए गए, 70 से 75 ऐप ऐसे हैं जिसको दोस्तों यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप दोस्तों यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट कर सकते हो एक लीगल तरीके से, इसमें आपको कोई टेंशन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई भी सेबी भी कोई एक्शन उतना नहीं लेगा, तो ये कौन सा तरीका है, ये तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको जरूर ये जो वीडियो है ना 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, कि मैं किस ब्रोकर पे ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, ये हर चीज मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है, बाकी जिसको ट्रेडिंग सीखना है वो भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम डेली करता हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर के लिए करता हूँ। किस में करता हूँ, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब ट्रेड करता हूँ तब करता हूँ, सॉरी डेली नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी करता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ प्रॉफिट मिलेगा तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उसमें मेरे साथ बहुत से लोग ज्वाइन होकर प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो दोस्तों आप भी उसमें से हो सकते हो, तो आपको क्या करना चाहो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स के लिए ही सिर्फ लाइव को ओपन करता हूँ, बाकी सबके लिए मैं नहीं करता हूँ, पब्लिक के लिए करता ही नहीं हूँ, यहाँ जो सब्सक्राइब किए रहते हैं ना, तो मैं प्राइवेटली ही जो इसको चालू करता हूँ, जो सब्सक्राइबर रहते हैं उनके पास सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा मेरे लाइव का, ये चीज़ें होती है। बाकी दोस्तों आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप बेसिक जो एडवांस मैंने अपने वीडियो जो अपने चैनल में वीडियो बना रखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ, वो ऐसा वीडियोस है ना 4 से 5-10 वीडियोस अप्रॉक्स में है, उसको अगर आप देख लेते हो तो एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना वीडियो।